अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टडी करेंगे फ़ाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली फ़ाइल की थ्री टाइप्स होती हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, मास्टर फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल। सो फर्स्ट वन इज़ मास्टर फाइल, यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी वो इन्फॉर्मेशन इसमें सेव की जाती है, इसमें स्टोर की जाती है जो कि ज़्यादा टाइम के लिए एक जैसी रहती है, remains constant for a longer period of time। example इसकी क्या है कि a college maintains a master file of all students। अब students जो हैं वो एक year के लिए enrolled होते हैं, दो years के लिए enrolled होते हैं, तो उनका data जो होता है, उनका जो information होती है उसको save कर दिया जाता है किस file में, master file में। जब भी उनका record जो है कोई भी उसमें से चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो वो आसानी से master file में से निकाली जा सकती है। like उनका phone number हमने निकालना है, उनका address निकालना है, तो वो master file में save होगा। इट इज़ अपडेटेड वेन एनी चेंज इन इट्स कॉन्टेंट इज़ रिक्वायर्ड। दीज फाइल आर नेवर एम्प्टी सिंस दे आर क्रिएटेड। अब मास्टर फाइल में क्या होता है कि अगर स्टूडेंट का एड्रेस चेंज होता है, उसका फ़ोन नंबर चेंज होता है, तो मास्टर फाइल में अपडेटेड रिकॉर्ड रखा जाएगा। फ़ौरन से जो है वो उस फाइल को अपडेट कर दिया जाएगा ताकि किसी किस्म की भी इनकन्सिस्टेंसी लैग्स जो हैं वो वहाँ पर अक्कर ना करें। और ये फाइल जब भी क्रिएट की जाती है उसके साथ ही जो होती है इनको एम्प्टी नहीं रखा जाता, बल्कि इनमें कुछ ना कुछ जो होता है वो डेटा अपडेट कर। सेकेंड हमारे पास आ जाती है ट्रांजेक्शन फाइल, यूज टू स्टोर द इनपुट डेटा बिफोर प्रोसेसिंग। यानी प्रोसेसिंग से पहले जो है वो जो डेटा इनपुट करवाया जाता है उसको जिस लोकेशन पे स्टोर करवाया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन फाइल। इट मे बी टेम्प्ररी फाइल, यानी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे डेटा रखा जाता है, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन फाइल को क्या बोलते हैं, टेम्प्ररी फाइल। द डेटा इन ट्रांजेक्शन फाइल इज़ यूज टू अपडेट द मास्टर फाइल। मास्टर फाइल में जो रिकॉर्ड्स हमने सेव करने हैं, लाइक वो सेव होने से पहले, प्रोसेसिंग से पहले कुछ टाइम के लिए ट्रांजेक्शन फाइल के अंदर होल्ड किए जाते हैं, देन उनको जो है वो मास्टर फाइल में शिफ्ट किया जाता है। इट मे एग्जिस्ट अनटिल द मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड। जब तक हमारी मास्टर फाइल अपडेट नहीं हो जाएगी तब तक रिकॉर्ड्स कहाँ पे होंगे, तब तक हमारा डेटा कहाँ पे रिजाइड करेगा, ट्रांजेक्शन फाइल में। मे आल्सो बी यूज्ड टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ डेटा अबाउट ट्रांजेक्शन। एग्जांपल इसकी है, अ ट्रांजेक्शन फाइल कैन बी यूज्ड टू स्टोर द फी डिपॉजिटेड बाय द स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट जो फ़ी सबमिट करवाता है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो भी ट्रांजेक्शन में रखा जाता है कि किस टाइम उसने सबमिट करवाई, किस डेट को सबमिट करवाई। थर्ड हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है बैकअप फाइल, यूज़ टू टेक द बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट डेटा। परमानेंट फाइल होती है, मेक एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा। द डेटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बैकअप फाइल इफ एनी डेटा फाइल इज लॉस्ट आर डैमेज्ड। बैकअप फाइल आर मोस्टली क्रिएटेड बाई यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये बैकअप लेती है डेटा का जो इम्पोर्टेंट होता है। और बैकअप कैसे लिया जाता है, एक एडिशनल कॉपी जनरेट की जाती है जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं, लाइक हार्ड डिस्क वगैरह या एडिशनल जो स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं बैकअप लेने के लिए। और ये जो होती है फाइल, ये एक परमानेंट फाइल होती है। जैसे कि हमारे पास जो ट्रांजेक्शन फाइल थी वो टेम्प्रेरी फाइल थी, तो बैकअप फाइल जो है ये एक परमानेंट फाइल है। डेटा इसमें रिकवर कैसे किया जाता है, जो एडिशनल कॉपी डेटा की जनरेट की जाती है और उसको किसी सेफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर किया जाता है। अगर हमारा जो वर्किंग एरिया है वहाँ से डेटा लॉस्ट या डैमेज हो जाता है तो वो जो एडिशनल कॉपी होगी वहाँ से जो बैकअप है वहाँ से डेटा को रिकवर कर लिया जाएगा। सो बैकअप फाइल्स आर मोस्टली क्रिएटेड बाय यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लाइक डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड सी एस डिपार्टमेंट।